हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा रिव्यू ऑफिसर हिंदी और उर्दू के पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी द्वारा अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे, और जिनकी रैंक 1 से 3 के बीच में आएगी उनको 1 साल का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स प्लस सबस्क्रिप्शन दिया जाएगा पूरी तरह फ्री में, और जिनकी रैंक जो है 4 से 10 के बीच में आएगी उनको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा, उनको 75% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और जिनकी रैंक जो है 11 से 50 के बीच में होगी उनको 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और जिनकी रैंक जो है 51 से 500 के बीच में होगी उनको 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये टेस्ट जो है पूरी तरह से फ्री है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। उस लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद इनवाइट कोड में SR अड्डा कोड यूज करें, SRADD है, और उसके बाद आप एनरोल हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। पहले स्टेज में पार्ट 1 में आपसे जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे, और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को और इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और क्वालिफाइंग मिनिमम मार्किंग नहीं है। तो अब बात करें सिलेबस की। तो इसमें जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के इतिहास तथा भारत के राष्ट्रीय मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन, इकोलॉजी और अर्बनाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा जो कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा वर्ल्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी तथा रिसोर्स ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। करंट नेशनल तथा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्री और ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिविंग और सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश तथा जनरल हिंदी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होंगे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। इन सब के अलावा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी लेकिन इसमें क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आपको कम से कम 25 नंबर लाने होंगे 50 में, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसमें होगा क्या, रिव्यू ऑफिसर जो हिंदी हैं उनको 500 वर्ड का इंग्लिश में टेक्स्ट दिया जाएगा, जिसको आप रिप्रोड्यूस करेंगे कंप्यूटर पे सेम फॉर्मेट में, आपको 20 मिनट में करना है। इसी तरह उर्दू के लिए भी यही प्रोसेस होगा। उसके बाद स्टेज 2 एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 2 में जो है आपका कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा, पेन और पेपर मोड, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 200 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपको 66 नंबर लाने होंगे कम से कम 200 नंबर में। तो अब बात करते हैं इस पेपर की। तो अगर रिव्यू ऑफिसर हिंदी की बात करें तो पहले पार्ट में ट्रांसलेशन होगा आपका इंग्लिश से हिंदी, जो कि 100 नंबर का होगा। इसमें 60 नंबर आपके ट्रांसलेशन फॉर्म इंग्लिश से हिंदी में आपको करना है, जिसमें एक आपको जजमेंट दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं रिव्यू ऑफिसर हिंदी के सिलेबस की। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसके पहले पार्ट में आपसे ट्रांसलेशन करवाया जाएगा इंग्लिश से हिंदी में, और दूसरे पार्ट में ये भी 100 नंबर का होगा, इसमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। और अगर उर्दू की बात करें तो इंग्लिश से उर्दू में आपका ट्रांसलेशन करवाया जाएगा पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 के 450 नंबर जोड़े जाएंगे, उनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड कर लें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।